जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ट्रेवलर्स अड्डा में आपका स्वागत है। आज के दिन हम केरल के 10 ऐसे टूरिस्ट प्लेस के बारे में जानेंगे जहां आपको जरूर जाना चाहिए अगर आप केरल जाने का प्लान बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं केरल के बारे में। तो केरल दक्षिण भारत में बसा वो राज्य है जो बीचों और बांधों के लिए मशहूर है। विभिन्न प्रकार की चाय की कॉफियों की चुस्कियां लेते लेते आपका मन नहीं भरेगा। खारे मसालों की सौंधी खुशबू आपको रसोई के नटखट और चटपटे स्वाद से स्मरण करवाएगी। केरल के दर्शनीय स्थल आपके मन में सभी एहसासों को जीवंत कर देगा और यहाँ के दर्शनीय स्थल आपको भरपूर शांति व प्रेम देंगे। यहाँ की परंपरा और रीति रिवाज आपको बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पाएंगे। लहलाते पेड़ पौधों के बीच आप खुशनुमा महसूस करेंगे। पारंपरिक चाय की और कॉफी की चुस्कियाँ आपकी जुबान पर यहीं का स्वाद बैठा देंगे और आप मन में नहीं चाहिए हर बार यहीं आना चाहेंगे। आपकी उदासीनता पलभर में छूमन तक हो जाएंगे। ऐसे है केरल। चलिए दोस्तों, आनंद विभोर होकर इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं केरल के 10 ऐसे लोकेशन के बारे में जहाँ आपको जरूर जाना चाहिए। सबसे पहले लोकेशन की बात करें तो वह है अलेपी, जिसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। यह केरल के टॉप पर्यटन स्थल में से एक है। पूर्व का वेनिस कहा जाने वाला यह स्थान केरल की सबसे आकर्षक जगह है। इसकी असीम सुंदरता बैक वाटर हर साल यात्रियों को भारी मात्रा में आकर्षित करती है। नारियल के पेड़ों से होकर गुजरती नौकाओं आपको आनंद प्रदान करेंगी। यहाँ का सादगी से भरा जीवन आपको अपना बनाने की कोशिश करेगा। हाउस बोट में रहना आपको एक नया अनुभव देगा। आप यहाँ आकर केरल की पारंपरिक भोजन का भी स्वाद चख सकते हैं। यहाँ की बोट रेस भी यात्रियों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। उसके बाद यहाँ घूमने के बाद आप समय व्यतीत करेंगे। उसके बाद आप दूसरे लोकेशन भी जाना चाहेंगे, वो आपका है मुन्नार, जिसे आप हनीमून गंतव्य भी कहा जाता है। यहाँ पे हनीमून कपल्स ज्यादा जाते हैं। आपको ये केरल के पर्यटन स्थल अवश्य जाने चाहिए। मुन्नार दर्शनीय स्थल केरल की पहाड़ी इलाका है। बादलों को स्पर्श करते ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको ऐसा एहसास कराएंगे आपके हाथों में उठाते ही बादलों को अपनी मुट्ठी में समेट लेंगे। शादी शुदा जोड़ों के लिए बेहद खूबसूरत गंतव्य माना जाता है। आरामदायक और लुभावने रोजार्ट आपको यात्रा को बेहद सुगम बनाएंगे। ये पहाड़ की डिजाइन मुख्यतः चाय के उत्पादन के लिए किया गया है। चाय की सुगंधित खुशबू आपको अंतःकरण में लीन हो जाएगी। उसके बाद लोकेशन की बात करें वो है वायनाडा। साधा जीवन व संस्कृति यहाँ की फेमस है। केरल के पर्यटन स्थल में शामिल ये स्थान केरल की सबसे ज्यादा हरियाली युक्त जगह है। यहाँ प्रकृति और मानव निर्मित साधनों का ये बहुत उम्दा मिश्रण है। यहाँ की खास बात यह है कि केरल की सरल व साधारण संस्कृति और रीति रिवाज जो आपको ग्रहण करने में जरा भी कठिनाई नहीं होगी। मलयालम में वायनाडा का अर्थ होता है धान की खेती की भूमि। आप प्रदूषण रहित वातावरण में चैन की सांस ले सकेंगे, वरना आज के समय में तो हर जगह प्रदूषण ग्रस्त है। और यह सबसे मशहूर केरल के दर्शनीय स्थल में से एक है। उसके बाद आप जाएं तो चौथे आपके लोकेशन की बात करें तो वह है थेक्करी। वन्य जीवों का यह स्थान है। यह पर्वतीय स्थल इडुक्की जिले में स्थित है। यह स्थान पेरियार वन्य जीव अभयारण्य के लिए लोगों के बीच ज्यादा लोकप्रिय है। ये बहुत से विलुप्त जानवरों और 200 से अधिक पक्षियों का निवास स्थान है। मुख्यतः यह हाथियों का स्थल है, पर अन्य जीव भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, जैसे बाघ, जंगली बिल्ली, सांभर, नीलगिरी लंगूर, गौर आदि। इन यदि आप घने जंगल के बीच से होती हुई नदी को से गुजरना चाहते हैं तो यह आप अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ नौकाओं की व्यवस्था है, तो यहाँ नौका से आप घूम सकते हैं। यह सबसे मशहूर केरल के दर्शनीय स्थल में से भी एक है। उसके पांचवें लोकेशन की बात करें तो वह है श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर। धार्मिकता की गूंज यहाँ काफी ज्यादा है। केरल के धार्मिक स्थल में से यह मंदिर अपनी अलग पकड़ बनाए बैठे हैं। भगवान विष्णु के इस मंदिर को बड़ी ही कलाकृति से बनाया गया है। जीवंत हो उठने वाली मूर्तियाँ, उत्तम श्रेणी की वास्तुकला मंदिर के हर एक कोने में जागृत कर देती है। यह देश के सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर में से एक है। यहाँ सबसे ज्यादा भक्त नवंबर, दिसंबर, मार्च व अप्रैल के अंतर्गत कुछ विशेष त्योहारों पर आते हैं। धार्मिक होने के बहाने ही आप इस लुभा देने वाले जगह पे आ सकते हैं। यह सबसे मशहूर केरल के दर्शनीय स्थल में से एक है, जहाँ आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ जरूर घूमें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं छठे लोकेशन की। वो है आपका कोची। अरब सागर की रानी भी जिसे कहा जाता है। यह केरल का वित्तीय, व्यावसायिक व औद्योगिक केंद्र है। इस शहर में कुछ आर्ट गैलरी हैं, आपको कला के प्रति प्रोत्साहित करेंगी। देर रात तक आनंद प्राप्त करने के लिए पब और जीत और खरीदारी के लिए शॉपिंग आप यहाँ आसानी से मिल पाएंगे। आपकी यात्रा बेहतरीन रंगीन हो जाएगी। सुंदर प्रकृति के नजारों के बीच भी आप रुक कर सकते हैं। अपनी मन की शांति के लिए मंदिरों में भी शरण जा सकते हैं। तो ये सभी जगहें आप कोची में घूम सकते हैं। बहुत ही अच्छा लोकेशन है, यहाँ आप जरूर जाएं। उसके बाद आप जाएं तो सातवें लोकेशन की तरफ बढ़ें, कोवलम। ग्रामीण जीवन के बीच का यह संगम है। अरब सागर के तटीय इलाकों में बसा यह गाँव इसके पास मौजूद तीन बीचें के लिए प्रख्यात। ये तीनों बीच हैं लाइट हाउस बीच, समुद्र बीच व हवा बीच, जो इसके सौंदर्य को चौगुना करते हैं। ये पूरा इलाका लंबे घने नारियल के पेड़ों से घिरा है, इसलिए आपको यहाँ ताज़ा नारियल चटनी को भी मिलेंगे। योग ध्यान लगाना यहाँ के माहौल को और अधिक शांतिपूर्ण अब बनाता है। यह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की खरीदारी का गंतव्य स्थान भी है, जैसे पारंपरिक मसाले, लकड़ी के मूर्तियाँ, हस्तशिल्प इत्यादि। तो यहाँ आप जरूर जाएँ कोवलम में। काटलेट लोकेशन की तरफ बढ़ें, जो कि है पूरा सौंदर्य द्वीप है। यह एक शोभायान द्वीप है जो
तिरुवनंतपुरम से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूर दूर तक फैला रेत आनंदमयी वातावरण मचलती हवाओं का संगम मधोस कर देने वाला है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ अरब सागर, नैयर नदी और भूमि आसपास में मिलती है। यकीनन यह देखने लायक जगह है, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रकृति और शांति प्रेमी है। अज्ञात बीच व केरल के बैकवाटर इस जगह को देखने लायक बनाते हैं। भारी मात्रा में आपको यहाँ सुकून तक की प्राप्ति होगी। आप यहाँ बार बार आना चाहेंगे। इसके बाद आप जानना चाहते हैं तो नवी लोकेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, जो का आपका है थ्रिसूर। शास्त्रीय कला व संस्कृति का केंद्र माना जाता है। केरल के दर्शनीय स्थल को आगमन करने आए और थ्रिसूर में न घूमे तो आपकी यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी। अगर आप केरल के शास्त्रीय कला और संस्कृति को अपनी जहन में उतारना चाहते हैं तो यह स्थान आपके ही इंतजार में बैठा है। स्थानीय भाषा में मंत्रों का उच्चारण आपको केरल की संस्कृति से जोड़ेगा। कुछ अन्य जगह जहाँ आप यहाँ आके विचरण कर सकते हैं वह है वदकुंभन। तो आप यहाँ मकबरा, अथिरापल्ली फॉल आदि भी जगह जा सकते हैं। और सभी जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। उसके बाद बढ़े आपके आखिरी लोकेशन की तरफ। आज बात करते हैं जो कि आपके दसवीं लोकेशन है, नेल्लियम पैथी। प्राकृतिक वातावरण, केरल व तमिलनाडु की सरहद पर बसी यह जगह आपको किसी स्वप्न की भांति लगेगा। हवाओं को चीरती हुई भीनी सी खुशबू आपको आपके नाक से होते हुए जहन में जा बसेगी। वो खुशबू है कॉफी की। आसपास का इलाका हरियाली से परिपूर्ण है, जहाँ चाय, कॉफी व इलायची की खेती की जाती है। एक बढ़िया अवकाश को बिताने के लिए यहाँ आया जा सकता है, जहाँ आप ऊंचे पहाड़ों पर मधुर वातावरण के गवाह बन सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आएगी। तो आपके दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने इस चैनल को तो पहले ही सब्सक्राइब कर लिया होगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।